तो हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय SBM टेक्निकल पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज की हमारी वीडियो क्या होने वाली है। तो हाय, मेरा नाम है शिवम मौर्य। तो मैं आज की इस वीडियो में ये बताऊंगा कि आप अपने CPU को असेंबल कैसे कर सकते हैं, वो भी एक एक पार्ट्स में। पहले निकाला हूँ अपने CPU से, उसके बाद हमने सारे पार्ट्स को असेंबल किया है। SMPS हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सभी चीज़ CPU में कैबिनेट में कैसे असेंबल करेंगे। तो आज की वीडियो में हमारी इसको ज़रूर देखिएगा। उससे पहले अगर हमारे SBM टेक्निकल पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसे कि देख सकते हैं पीछे यहाँ पे कुछ इसी तरीके से हम लोग असेंबल करेंगे इसको। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर और कोई भी आपको टेक्निकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ID मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं आपको क्या टेक्निकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मैं अपने इस वीडियो को शुरू करता हूँ। उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमारा कैबिनेट CPU जो कि कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। इसको हमने पूरा निकाल लिया है। इसके अंदर हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड सभी चीज़ था, सब चीज़ निकल चुका है। इतने समय ये पूरा डिब्बा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा है इसका मदरबोर्ड जो कि इसमें लगा था। अभी मैं इसमें लगा के दिखाऊँगा। ये SMPS, ये हार्ड डिस्क और ये है इसका रैम। तो इसको अभी हम लोग इसमें असेंबल करेंगे, देखिएगा किस तरीके से होता है। उससे पहले अगर अभी तक हमारे SBM टेक्निकल पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मैं इसको असेंबल करने जा रहा हूँ, आप लोग जरूर देखिएगा। और ध्यान रहे कि ये जो हार्ड डिस्क है ये गिरे ना, अगर ये गिर गई तो ये ख़राब भी हो सकती है क्योंकि इसके अंदर लगी होती CDVD। तो चलिए मैं इसको असेंबल करके दिखाता हूँ ये कैबिनेट में, फिर इसको ऑन करके दिखाएंगे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये देखिए, हम लोग पहले लगाएंगे SMPS जो कि ये है, इससे मेन पावर सप्लाई जाती है और फिर पूरे CPU में DC करंट जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कुछ किस तरीके से सेट करेंगे। ध्यान रहे यहाँ पे सभी पेज लगेंगे 1, 2, 3, 4 क्योंकि कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ। तो हम लोग कुछ इस तरीके से पेज लगा लेंगे और टाइट कर लेंगे, और अच्छे टाइट करना है, ध्यान रहे। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ, फिर आगे दिखाता हूँ अपनी वीडियो। ये देखिए, ये जो हमारे पेज थे सारे टाइट हो चुके हैं कुछ इस तरीके से, जो हमारा SMPS है। तो अब इसके अंदर देख सकते हैं इतनी सारी केबल आ गई है। तो अभी हमको इसको मदरबोर्ड में सेट करना है, जो कि ये हमारा मदरबोर्ड है कुछ इस तरीके से इसमें का। इसको हम लोग यहाँ पर स्टेबल करेंगे, यहाँ पर लगाएँगे पूरा, क्योंकि कुछ इस तरीके के लगे। ध्यान रहे आपको ये जितने भी कॉम्पोनेंट दिख रहे हैं ये सारे बाहर रहे, तो ये सब यहाँ पे भी इधर से दिखेंगे। और ये जो आपको फ़ैन दिख रहा है इसके नीचे प्रोसेसर लगा है, जो कि यहाँ पे फ़ैन लगना ज़रूरी है। अगर ये गंदा हो जाए तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, बार बार रीस्टार्ट होगा चलते चलते और स्लो भी चलेगा। तो चलिए मैं इसको पहले सेट कर लेता हूँ, फिर इसमें कभी कनेक्शन भी करेंगे आपको दिखाएंगे। तो चलिए मैं इसको सेट करके दिखाता हूँ किस तरीके से ये सेट होगा। तो आप करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट दिया हुआ 1, 2, 3, 4। तो ये पॉइंट दिया, आपको इसी पॉइंट पे इसको बैठाना है। तो चलिए मुझे इसको बैठाना है। तो दोस्तों ये देखिए, जो हमारा मदरबोर्ड था यहाँ पे लग के कुछ इस तरीके से तैयार हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पहले हार्ड डिस्क लगा लेंगे, क्योंकि ये हमारी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे, क्योंकि देखिएगा किस तरीके से सेट होती है। तो ध्यान रहे आपको ये जो पोर्शन है ये चीप बाहर है, और आपको क्या करना है, फिर सिंपली इसके अंदर कुछ इस तरीके से हम लोग ले जाएंगे। इसके अंदर बॉक्स जैसे बना है तो यहाँ पर हम लोग इसको अंदर ले जाएंगे कुछ इस तरीके से, फिर बाद में यहाँ पर पेज से फंसा देंगे, जो कि हम लोग को कुछ इस तरीके पेज दिख जाएगा। इससे हम लोग इसमें टिका देंगे, टिकर है ताकि बाहर निकले। चलिए मैं इसको अंदर फंसा के फिर आगे अपनी वीडियो दिखाता हूँ। देखिए ये हमारी हार्ड डिस्क है, हमने क्या किया यहाँ पे मैग्नेट लगा लिया ताकि ये इसमें कुछ इस तरीके से चिपक जाए, और इसको अंदर यहाँ पे सेट करना है। देख सकते हैं किस तरीके का है, और ध्यान रहे ये नीचे गिरने ना पाए। तो चलिए मैं इसको सेट कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से पेज से इसको टाइट कर लेंगे ताकि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो इधर उधर हिले नहीं। तो चलिए मैं इसको टाइट कर लेता हूँ अच्छे से, ये इधर से टाइट होगा, फिर हम लोग अपना कैबिनेट पलटेंगे उधर से भी टाइट होगा। तो दोनों तरफ से इसमें पेज लगाना है, तो इधर से अब लग चुका है पेज कुछ इस तरीके से। तो चलिए मैं इसको पीछे करके आप लोगों को दिखा दूँ। तो हम लोग अब इधर से भी इसमें पेज लगाएंगे, तो हमारी हार्ड डिस्क ये दिख रही है यहाँ पे, यहाँ पर हम लोगों को पेज से कुछ सेट करना है अच्छे से। तो ये रहा हमारा पेज,
तो देख सकते हैं यहाँ पे हमको इसके अंदर पेच लगाना है। ध्यान रहे ये अंदर लगेगा, बाहर नहीं लगेगा। तो चलिए मैं इसको अंदर लगा के दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग जो पेस्ट था लगा चुके हैं। हार्ड डिस्क भी हमारी हार्ड डिस्क भी यहाँ पे एकदम फिक्स हो चुकी है। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसमें कनेक्शन करेंगे, क्योंकि उसको भी आप लोग जरूर दिखेगा, जिससे कि हमारा पीसी जो है ऑन होगा। तो इधर ही हमारा लग चुका है, तो हम क्या करेंगे इधर का ढक्कन जो है इसको हम लगा देते हैं। चले जाना ऐसे नहीं जाएंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा सेट हो चुका है। इधर का क्या करना है आपको, उल्टा करना है, यहाँ पे दिख जाएगा टाइट करने के लिए। हम लोग इसको यहाँ पे लगा के पेस्ट वाला टाइट कर लेंगे। तक हमारे SBM टेक्निकल पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो आप लोगों को हमारे ये यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी हमेशा। ये देखिए ये रही हमारी SMPS की वायर, कुछ इस तरीके से है। देख सकते हैं इतनी सारी वायर दी है, कहाँ क्या जोड़ना है। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें मदरबोर्ड पर पावर देंगे। तो पावर के लिए हमारे पास ये जो दिख रही है आपको 4 पिन की वायर, हम लोग इसको जोड़ेंगे। इसको कहाँ जोड़ेंगे तो देख सकते हैं ये पावर के लिए है, जो कि हमारे पूरे मदरबोर्ड में पावर जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ध्यान रहे अच्छे से लगाना है, टूटने ना पाए। हम लोग कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पर ऐसे सेट कर देंगे। देख सकते हैं ये लग चुका है, अब एक बार हमारी कंप्लीट हो चुकी। तो हमको क्या करना है, दूसरा लगाना है, क्योंकि ये भी हमारे मदरबोर्ड में पावर के लिए जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको दिख रहा होगा ये वायर जो कि कुछ इस तरीके की है, इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से आप लोगों को लगाना है। ध्यान रहे आराम से लगाना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, नहीं तो मदरबोर्ड ख़राब हो सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये भी लग चुका है कुछ इस तरीके से। और अब हम लोगों को क्या करना है, इसमें ये जो इतनी पावर बटन दिख रही है इसको सेट करनी है। ये पावर बटन है, पावर बटन जहाँ से हम लोग अपना CPU ऑन करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, पावर SW, पावर LED, पावर LED। और इधर साइड में कुछ इसी तरह की वायर, ये ऑडियो के लिए है जो ऑक्स के लिए दिया रहता है। और ये USB वायर है जो कि कुछ इस तरीके का है, इसमें लिखा हुआ भी है। तो चलिए मैं इसको पहले लगा देता हूँ, फिर अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए हमारी पावर LED जो कि कुछ इस तरीके का है, इसका पॉइंट आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, इसको कुछ इस तरीके से पकड़ना है। और ध्यान रहे ये जो लिखा हुआ है ये चीज़ ऐसे बाहर रहे, इधर ये बाहर रहे और इधर ये पावर LED बाहर रहे। इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। तो हमारी पावर LED लग चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं HDD लाइट, HDD लाइट मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव लाइट। तो इसको हम लोग लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हमको क्या करना है, कुछ इस तरीके से ऐसे पकड़ना है और ऐसे इसको लगा देंगे। तो ये भी हमारा लग चुका है। और यहाँ पर हम लोगों को अब मिल जाएगा पावर स्विच। पावर स्विच लगाने के लिए हम लोगों को कुछ इस तरीके से इसको इस तरीके से पकड़ना है और इधर लगा देंगे। ये पावर स्विच लग जाएगी। हमारे पास एक और है वायर जो कि ये रही, ये हमारी है रीसेट स्विच। रीसेट स्विच को क्या करना है, कुछ इस तरीके से हम लोगों को सेट कर लेना है। लग चुकी कुछ इस तरीके से, जो कि कुछ इसी तरीके सेट होगी। हमारी पावर LED है जो कि जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहीं से ये ऑन होता है। ये हमारी पावर स्विच के लिए हो गया, USB के लिए हो गया। तो चलिए मैं आगे बताता हूँ अब और वायर कहाँ कैसे क्या जुड़ेगी। तो दोस्तों ये देखिए ये जो हमारी पावर केबल थी जो कि ये सारी लग चुकी है। अब हम लोग इसमें लगाएंगे ऑडियो जंपर वायर, USB जंपर वायर। जो कि ये जो ऑडियो जंपर वायर दिख रही है ये आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है लाइन, यहाँ की है ऑडियो जंपर वायर और ये जो है ये USB जंपर वायर है। तो हम लोग इसको यहाँ पर लगाएंगे। कहाँ पर लगाना है तो चलिए मैं बताता हूँ। तो इसको हम लोग कहाँ पर लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग लगाते हैं इसको USB जंपर वायर। इसको हम लोग लगाएंगे सिंपली कुछ इधर लगाएंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा USB लग गया। तो अब हम लोग ऑडियो को लगाएंगे। ऑडियो जो है यहाँ पर आपको दिख जाएगी साइड में पीले कलर का, तो हम लोग यहाँ पे ऑडियो को लगा देंगे। तो ये भी हमारा सेट हो चुका है कुछ इस तरीके से। अब हम लोग क्या सभी चीज़ कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग हार्ड डिस्क में अब कनेक्शन देंगे। ये जो SMPS दिखा है SMPS से हार्ड डिस्क में पहले पावर सप्लाई देंगे। पावर सप्लाई देने की आपको कुछ इस तरीके की केबल दिख जाएगी। इसको हम लोग यहाँ पे कुछ इस टाइप से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारा कनेक्ट होगा, जो कि हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे हम लोग ये जो नीले कलर की जंपर वायर दिख रही है इसको लगाएंगे। इसको भी हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे। ध्यान से सेट करना है, देख कर सेट करना है। तो चलिए मैं इसको लगा लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारी यहाँ पे ये भी लग चुकी है। अब हमको क्या करना है, इसको सिंपली ये जो यहाँ पे दिख रहा है इसको बोलते हैं शॉर्टर सॉकेट।
तुम लोग अब यहाँ पे इसको सेट कर देंगे, चाहे आगे सेट करें चाहे पीछे सेट करें। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे सेट कर दिया हूँ। अगर आप लोगों को और भी हार्ड डिस्क ऐड करनी हो इसमें, तो यहाँ पे जो इतनी केबल दिख रही है यहाँ से लगा के आप लोग और भी हार्ड डिस्क ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, आप जो सी डी ड्राइवर दिख रहा है इसमें कनेक्शन करेंगे। उसके लिए आपको ये देखिए इस तरह कुछ जंपर वायर दिख जाएगी, इसको हम लोग सिंपली यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। ये यहाँ पे लग चुका है, तो हमारा लगभग सभी कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें लगाना है रैम, जो कि रैम देख सकते हैं कुछ इस तरीके की दिख रही है। आपको क्या करना है, रैम में ये जो दिख रहा है इसको आप लोगों को हाथ से टच नहीं करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। हमारे पास दो रैम है कुछ इस तरीके की, इसको हम लोग लगाएंगे इस स्लॉट में, ये जो स्लॉट दिख रहा है इसमें रैम लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको भी लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह आप इसको लगा के हम लोग सिंपली कुछ इस तरीके से प्रेस कर देंगे तो ये लग जाएगा। एक रैम लग चुकी है, अब ये रही हमारी दूसरी रैम जो कि कुछ इस तरीके की दिख रही है। तो इसको भी चलिए मैं लगा के दिखाता हूँ ये किस तरीके से लगेगी। तो क्या करना है, सिंपली हम लोग इस स्लॉट में ये जो वाइट दिख रहा है इसको बाहर कर देंगे और इसके अंदर इसको ले जाएंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे। तो चलिए मैं इसको सेट करके दिखाता हूँ। सेट हो चुकी है, तो हम लोग इस तरह कुछ इसको प्रेस कर देंगे, ये लग के तैयार हो चुका है। हमारा कैबिनेट जो भी था इसमें असेंबलिंग हो चुकी है, सभी चीज़ लग चुका है। ये जो आपको एक्स्ट्रा वायर दिख रही है, एक्स्ट्रा वायर किस लिए चलिए मैं बताता हूँ। ये जो दिख रहा है आपको अलग, अगर अलग से कोई भी हार्ड डिस्क लगानी हो तो इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा सी डी रोम है, एक और दिया सी डी रोम, इसको भी चलाना चाहें तो हम लोग इसमें सिंपली कुछ इस तरीके से लगा देंगे, ये भी ऑन कंडीशन में हो जाएगा। तो इसको फिलहाल हम लोग अभी नहीं चलाएंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक और वायर है एक्स्ट्रा, इसको कहाँ पर लगानी है, इसको आपको क्या करना है, ये जो सी डी ड्राइवर दिख रहा है इसमें हम लोग यहाँ पे इसको सेट करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें लग चुका है, और ये जो दिख रहा है इसको हम लोग लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये देखिए ये भी लग चुका है। इसका क्या काम होता है, इसमें अगर आप कोई भी सीडी लगाते हैं तो ये इसी के थ्रू मदरबोर्ड पे जाता है, रीड करता है, सब इसी में से होता है, इसी वायर के थ्रू। और ये जो लगाए थे ये पावर की है। तो हमारा पूरा असेंबलिंग कम्प्लीट हो चुकी है। तो अब क्या करना है, इसको हम लोग जो भी वायर दिख रही है इसको साइड में कर देंगे, जो कि हमारा जो प्रोसेसर का फैन है इसमें टच ना हो। तो चलिए मैं इसको बाहर सब कर देता हूँ, फिर इसको हम लोग ऑन करके देखेंगे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है अभी। तो दोस्तों ये देखिए, पहले हम इसमें HDMI केबल लगाएंगे कुछ इस तरीके से, इसको टाइट हम लोग बाद में करेंगे, टेस्टिंग के लिए अभी लगा रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग लगाएंगे CPU की पावर केबल जो कि कुछ इस तरीके से लग जाएगी। और इसमें मैं माउस भी कनेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि माउस हम लोग लगा देंगे यहाँ पे। इसको भी चेक करेंगे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो कि अभी हम लोग ने असेंबल किया है। हमारा CPU जो है पूरा हमने असेंबल किया है, ऑन भी हो गया है, चलने लगा है। विंडो देख सकते हैं आगे कई सारे ऑप्शन। ये जो इस तरह वार्निंग दे रहा है इसमें अभी हम लोग CMOS बैटरी लगाएंगे, जो कि ये बैटरी कुछ इस तरीके की दिखती है। अगर ये चार्ज होगी तो ये ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिखेगा। तो अभी हम लोग इसको बाद में लगाएंगे, पहले चेक करेंगे ये चल रहा है कि नहीं। तो ये हमारा विंडो 10 है कुछ इस तरीके से, तो देख सकते हैं विंडो 7 और 10 पड़ा है। तो हम लोग इसमें जो भी विंडो यूज़ करना चाहें वो विंडो यूज़ कर सकते हैं सिंपली। तो हम लोग 10 को ओपन करते हैं, हमारे ये विंडो कुछ इस तरीके से ओपन हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपन हो गया तो अभी इसको बंद करके तब इसको ये बैटरी लगानी है। अगर चलती कंडीशन में लगा देंगे तो ये ख़राब भी हो सकता है, इसलिए इसको बंद करके हमको लगाना पड़ेगा। वोल्ट की बैटरी होती है, इसी में रहती है। इसका काम ये रहता है कि जो डेट और टाइम आपके सिस्टम में दिखता है वो हमेशा इसी की वजह से अपडेट रहता है। अगर ये डिस्चार्ज हो जाएगी तो ये अपडेट नहीं करेगा डेट और टाइम, बार बार आपको चेंज करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं हमारी विंडो जो है कुछ इस तरीके से खुल चुकी है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी सिंपली बंद कर देंगे, बंद करके इसको पूरा कवर करके ऑन करके तब आपको दिखाते हैं। और ये बैटरी भी लगा दिखाएंगे, ये बैटरी लगेगी। तो चलिए मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। तो ये देखिए ये जो हमारी बैटरी है इसको यहाँ पे लगाएंगे। इसको हम लोग ने पहले क्यों नहीं लगाया चलिए बताते हैं। इसको हम लोग पहले इस मेन लाइन लगाएं, अगर हम लोग इसमें मदरबोर्ड में इस बैटरी को सेट कर देंगे तो मदरबोर्ड में सप्लाई चालू हो जाएगी, जो कि 12 वोल्ट की सप्लाई चालू हो जाएगी। अगर कोई भी आपका इसको इसमें कहीं भी गिर जाता है तो शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, क्योंकि कौन सा खराब है। तो इसलिए हम लोग इसको पहले नहीं लगाएंगे, इसको बाद में लगाएंगे कुछ इस तरीके से लगा के। इसको आपको सिंपली प्रेस कर देना है। हम लोग इसको यहाँ पे लगा चुके हैं, जो कि लग चुकी है। इससे डेट और टाइम अपडेट रहता है हमेशा, और इस मदरबोर्ड में 2400 घंटे 12 वोल्ट सप्लाई जाती रहती है। तो ये हमारा लग चुका है। इसका जो कवर है इसको भी चलिए मैं लगा देता हूँ, फिर सिस्टम को अपने ऑन करके देखते हैं चल तो रहा ही है, और चला कर देखते हैं किस तरह की किस तरीके से चल रहा है। हमने इसको इसलिए खोला था कि इसमें काफ़ी धूल भी हो गई थी और उसी की वजह से ये स्लो चल रहा था। तो चलिए मैं इसको सेट करके दिखाता हूँ, ये हमारा लग चुका है किस तरह से। तो ये देखिए जो हमारा CPU है पूरा असेंबल होकर कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको सेट भी कर दिया है। तो ऑन करके देखेंगे ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऑन तो हो गया, ये हमारे कीबोर्ड में भी सप्लाई आ गई, माउस में भी आ गई कुछ इस तरीके से, ये ऑन हो गया।
ये जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है ये CMOS बैटरी की वजह से दिख रहा है, क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज नहीं है, ये चार्ज होती तो ये ऑप्शन नहीं आता। तो चलिए मैं इसको ऑन हो जाने देता हूँ, फिर आगे आपको दिखाते हैं चला कि ये चल किस तरह का, क्योंकि इसमें काफ़ी धूल लगी हुई थी प्रोसेसर में, उसको भी हमने साफ किया है। तो देखिए हमारा सिस्टम ऑन हो चुका है, तो हमारे में दो विंडो पड़ी है, हम 10 भी चला सकते हैं 7 भी, तो हम लोग 10 चलाएंगे। और इसको मैंने कैसे किया ये हमारी दूसरी वीडियो में इंक्लूड रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको मॉनिटर पर लाइन दिख रही है और ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ये किस लिए आ रहा है, ये हमारे मॉनिटर में दिक्कत है, ना कि CPU की वजह से है, ये हमारे मॉनिटर में दिक्कत है, उसकी वजह से ये लाइनिंग आ रही है और ये जो ब्लैक ब्लैक है ये भी दिख रहा है। इसका मैं सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में बताऊंगा, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी टाइप से आप लोगों को टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसको वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देख सकते हैं हमारा सिस्टम जो है ये ऑन हो रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे हमेशा मिलती रहेगी। और अगर आपको कोई भी टेक्निकल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन हमारी आईडी मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग कुछ इसी तरीके के नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई SBM टेक्निकल पॉइंट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।